शनिवार को कृषि मंत्री सचिन यादव ने बागली तहसील के नगर चापड़ा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया। कृषि मंत्री ने कहा कि मोदी जी ने आम लोगों के साथ धोखा किया है। देश में ना तो कोई मोदी लहर है और ना ही कांग्रेस के लिए कोई चुनौती। उन्होंने केवल आम लोगों को सपने दिखाए और केवल जुमलेबाजी की है। अब भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा देश के सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में ना तो पहले कोई किसान था और ना आज है। जब विभिन्न मांगों को लेकर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया तो मंदसौर जैसा कांड करवा दिया, जिसमें हमारे किसान भाइयों ने अपने सीने पर गोलियां खाई। यह अब सब भारतीय जनता पार्टी के राज में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर हुआ है। हमारी सरकार ने जनता का खोया हुआ विश्वास वापस पाया है। साथ ही हमारी सरकार आप काम करने वाली सरकार है, वचन निभाने वाली सरकार है। आचार संहिता के बाद किसान ऋण माफी योजना की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो जाएगी। ना तो कोई मोदी लहर है और ना ही किसी प्रकार की कोई चुनौती है, क्योंकि 2014 में जिस प्रकार से मोदी जी ने बड़े बड़े सपने जो है देश की जनता को दिखाए थे, 15 लाख रुपए प्रत्येक देश के नागरिक के खाते में डालेंगे, 2 करोड़ लोगों नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे और तमाम तरह के बड़े बड़े दावे बड़े बड़े वादे किए, लेकिन उनको मिला धोखा, उनको मिला वादा किया, उनको मिला जुमले, उनको मिला नोटबंदी, उनको मिली GST क्या गब्बर सिंह टैक्स, इस तरह का की चीज़ें लोगों को मिली। और भारतीय जनता पार्टी की जो असली चेहरा है वो असली चेहरा जो है लोगों के सामने आ गया है। हमारा यह देश गांव में बसता है, हमारा यह देश गरीब किसान और मजदूरों के दम पर ये देश चलता है, हमारे छोटे व्यापारियों के दम पर ये देश चलता है, और जिनके दम पर जिनके बूते पर इन्होंने सरकार बनाई, जिनको गुमराह करके इन्होंने सरकार बनाई, और सरकार में बैठने के बाद अपने नज़दीकी जो 10-15 इनके जो उद्योगपति दोस्त हैं जो चुनाव में इनकी फंडिंग करते हैं, जो 24 घंटे मोदी जी TV चैनलों पर कैसे दिखें उसकी व्यवस्था करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आज लोगों की सामने आ गया है। आपको याद होगा कि 2014 में भी इन्होंने इसी प्रकार से जो है इंडिया शाइनिंग का नारा दिया, और जब आदरणीय सोनिया गांधी जी पूरे देश के दौरे पर निकली और जब उन्होंने जा करके उस इंडिया शाइनिंग की जो पोल खोलने का काम किया, उसके परिणाम आपके सामने हैं। 10 साल तक क्षेत्र की देश की जनता ने जो है कांग्रेस की सरकार बनाने का काम किया था, कांग्रेस को आशीर्वाद देने का काम किया था, और इसी प्रकार जो है इस 2019 के चुनाव में भी ये जनता जो है ऐसे जुमलेबाजों को और ऐसे वादा खिलाफी करने वालों को भी जो है बाहर करा सकते हैं। भाजपा का ये भी आरोप है कि जो प्रदेश सरकार द्वारा जो कर्ज माफी का वादा किया गया था उसमें भी जुमलेबाजी कांग्रेस की है, अभी तक कर्ज माफ नहीं हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में ना तो पहले किसान था, ना आज है, ना कई भविष्य होने वाला है। जब हमारे किसान, जब इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उसमें एक कर्ज माफी भी जो उनकी प्रमुख मांग थी उसको लेकर के जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो इन्होंने मंदसौर